फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल माय बेबी केयर और मैं हूं आपके साथ अर्चना। जैसे कि आप जानते हैं कि अनार के कितने फ़ायदे होते हैं, पर क्या बच्चों के लिए अनार खाना सेफ है? आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि क्या अनार बच्चों के लिए सेफ है या नहीं है, अनार बच्चों को खाने के लिए कब से देना चाहिए, क्या सही तरीका है उनको देने का, और बच्चों को अनार देते वक्त किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फ्रेंड्स, आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस मिस ना हो। तो सबसे पहली चीज़ कि क्या बच्चों को अनार खाने के लिए देना चाहिए, तो हाँ फ्रेंड्स, आप अपने बच्चों के खाने की लिस्ट में अनार को इंक्लूड कर सकते हैं। बच्चों को अनार देने से बच्चे का शारीरिक और मानसिक विकास जो है अच्छा होता है, क्योंकि उसमें सारे ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जो कि बच्चों के लिए अच्छे होते हैं। अनार में अच्छी मात्रा में प्रोटीन, फाइबर, आयरन, कैल्शियम और विटामिन सी जैसे कई न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो कि बच्चों के हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छे हैं। पर हाँ, एक चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये कि कभी भी बच्चों को अनार के दाने खाने के लिए ना दें, क्योंकि इससे कभी कभी बच्चों को चोकिंग हो सकती है, बच्चों के गले में वो दाना जो है अटक सकता है। इसीलिए बच्चों को अनार का जूस देना ही अच्छा रहता है, अगर आपके बच्चे छोटे हैं तो। अब बात आती है कि बच्चों को अनार कब से देना चाहिए। देखिए, जब आपका बच्चा 6 महीने से बड़ा हो जाए तब आप बच्चों को अनार खाने के लिए दे सकते हैं। पर एक चीज़ है जो आपको ध्यान रखनी है कि अनार बहुत ज़्यादा भी आपको नहीं देना है, लिमिटेड अमाउंट में ही दें। तो फ्रेंड्स देखिए, अब आप बच्चे को अनार दे रहे हैं तो आपको ये भी जानना ज़रूरी है कि अनार के फ़ायदे क्या होते हैं। तो जानते हैं इनके बारे में। सबसे पहली चीज़ कि डाइजेशन में हेल्प करता है। अनार बच्चों को आप खाने के लिए देंगे तो इसमें जो फाइबर होता है, इससे बच्चों को गैस की प्रॉब्लम नहीं होगी, कॉन्स्टिपेशन या कब्ज नहीं होगा। और इसके अलावा अनार में एंटी इन्फ्लेमेटरी गुण भी होते हैं, जिससे कि अल्सरेटिव कोलाइटिस यानी कि जो भी गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो बच्चों को नहीं होंगी। दूसरी चीज़ कि अनार जो है बच्चों में इम्यूनिटी को बढ़ाता है। देखिए, अनार में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, साथ ही इसमें कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो कि एंटीबैक्टीरियल है और एंटीवायरल भी हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं बच्चों के इम्यून सिस्टम को अच्छा बनाने में हेल्प करती हैं। नेक्स्ट, ये हार्ट के लिए काफ़ी अच्छा होता है। कुछ स्टडीज़ में ऐसा पाया गया है कि अनार में जो एंटीऑक्सीडेंट होते हैं वो एथेरोक्लेरोसिस यानी कि जो आर्टरीज होती हैं हार्ट में, उसके अंदर कभी कभी प्लेग जम जाने से काफ़ी हार्ट प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनसे ये जो है बचाता है और हार्ट को जो है हेल्दी रखता है। तो ये भी बच्चों के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट, कि ये जो पेट में होने वाले कीड़े हैं उनको जो है मारने में मदद करता है। देखिए, अनार में कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि बॉडी को नुकसान पहुंचाने वाले जो पैरासाइट, बैक्टीरिया और कीड़े होते हैं उनको मारने में मदद करते हैं। इसीलिए कभी कभी जब बच्चे के पेट में अगर कीड़े वगैरह हो जाते हैं तो आप बच्चे को अगर अनार खाने के लिए देंगे तो इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। नेक्स्ट, कि ये न्यूट्रिएंट्स का जो है अच्छा सोर्स होता है। जैसे कि मैंने बताया कि अनार में फाइबर, कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम, प्रोटीन, विटामिन सी, ऐसे जो है काफ़ी अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो इसीलिए आपको बच्चों की डाइट में अनार को इंक्लूड करना ही चाहिए। एक और फ़ायदा जो अनार का है कि अनार जो है अगर फीवर या बुखार को जो है कम करने में हेल्प करता है, और साथ ही शरीर में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स भी सप्लाई करता है जिससे कि फीवर कम होगा। तो फ्रेंड्स, ये तो बात हुई कि बच्चों को अनार देने के क्या फ़ायदे हैं, क्यों अनार देना चाहिए। अब बच्चों को अनार देते वक्त किन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है वो बात करते हैं। सबसे पहली चीज़ कि बच्चे को अनार का बीज नहीं देना है। ये चीज़ें आप ध्यान में रखें कि बच्चे को अनार का बीज ना दें। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बच्चों को जहाँ तक हो सके अनार का जूस दें अगर आपका बच्चा छोटा है तो। दूसरी चीज़ कि बच्चों को जब अनार दे तो उसकी जो वाइट स्किन होती है यानी कि सफ़ेद जो पार्ट होता है उसका, वो उसके जूस में ना डालें, क्योंकि ऐसा डालने से जो है बच्चे का जो अनार का जूस है वो खट्टा हो जाता है। और जहाँ तक हो सके बच्चे को सोने से पहले अनार ना दे तो अच्छा है, क्योंकि अनार को अगर आप सोते वक्त देते हैं तो बच्चों के दांत में ऐसा देखा गया है कि अनार से जो है दांतों की प्रॉब्लम यानी टीथ में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसीलिए सोते वक्त बच्चों को अनार ना दें। एक और चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि जब भी आप बच्चे को खाने के लिए अनार दें तो उसे किसी और चीज़ में मिक्स करके ना दें। चाहे आप उसको जूस दे रहे हों या अनार दे रहे हैं, उसके खाने के बाद ये भी देखें कि कहीं बच्चे को उस चीज़ से कोई एलर्जी तो नहीं है। और जहाँ तक हो सके बच्चे को हमेशा फ्रेश जूस बनाकर ही दें और बाहर के पैक जूस ना दें। तो फ्रेंड्स, आपको समझ आ ही गया होगा कि बच्चों के लिए अनार कितना अच्छा होता है। तो आप भी अपने बच्चों को खाने के लिए अनार दीजिएगा, पर हाँ, जैसे कि मैंने पहले बोला, बहुत ज़्यादा भी नहीं देना है, जितना ज़रूरी हो उतना ही दें।
तो फ्रेंड्स, यही था हमारा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और आगे भी ऐसे ही वीडियोज़ हम लाते रहेंगे। उन्हें देखने के लिए सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। थैंक यू।